नमस्कार, स्वागत है आपका भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम परिचर्चा में। और आज की हमारी परिचर्चा का मुख्य जो हाईलाइट है वो ये है कि जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स है वहाँ पे हमें 8 मई से लेकर के 12 मई तक हल्की से मध्यम वर्षा आने के स्थानों पे और साथ ही साथ भारी से अत्यधिक भारी वर्षा भी देखने को मिलेगी। अगर हम पिछले 24 घंटे की वेदर की बात करें तो कल यानी कि 6 मई को हमें तेलंगाना के एकाध स्थानों पे भारी से अत्यधिक भारी वर्षा 12 सेंटीमीटर से अधिक देखने को मिली है। वहीं पे तमिलनाडु और रायलसीमा के एकाध स्थानों पे भारी वर्षा देखने को मिली है। अगर हम ओलावृष्टि की बात करें तो कल हमें जम्मू डिवीजन के कुछ एक स्थानों पे और मध्य महाराष्ट्र के एकाध स्थानों पे ओलावृष्टि भी देखने को मिली है। अगर हम आज के मुख्य सिनॉप्टिक सिस्टम्स की बात करें तो एक पश्चिमी विक्षोभ है जो कि अभी नॉर्थ पाकिस्तान और उससे लगा हुआ जम्मू डिवीजन है, वहाँ पर मिडिल ट्रोपोस्फेरिक लेवल्स में देखा जा सकता है। उसके साथ ही लोअर ट्रोपोस्फेरिक लेवल्स में उत्तरी पूर्वी राजस्थान के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है और एक दूसरा साइक्लोनिक सर्कुलेशन दक्षिणी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी और उससे लगा हुआ जो तमिलनाडु का तट है वहाँ पे देखा जा सकता है। और एक तीसरा साइक्लोनिक सर्कुलेशन और है जो कि दक्षिणी पूर्वी बंगाल की खाड़ी और उससे लगा हुआ जो अंडमान सी है वहाँ पे देखा जा सकता है। अगर हम वेदर फोरकास्ट और वार्निंग अगले 5 दिनों की बात करें तो आज यानी कि 7 मई को हमें उत्तरी पश्चिमी भारत के कुछ एक स्थानों पे और साथ ही दक्षिणी प्रायद्वीप और उससे लगा हुआ जो पूर्वी भारत है वहाँ के कुछ एक स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा कुछ एक स्थानों पे देखने को मिलेगी। उत्तरी पश्चिमी भारत में आज हमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब के खास करके पंजाब के उत्तरी हिस्से में एकाध स्थानों पर ओलावृष्टि भी देखने को मिल सकती है। अगर हम दक्षिणी प्रायद्वीप की बात करें तो हमें तमिलनाडु में आज एकाध स्थानों पर भारी वर्षा भी देखने को मिल सकती है। और अगर उसी तरीके से हम 8 मई की बात करें तो 8 मई को जो हमारा उत्तरी पश्चिमी भारत है उसमें खास करके जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब के कुछ एक स्थानों पर हल्के से मध्यम वर्षा देखने को मिलेगी और उत्तराखंड में हमें ओलावृष्टि भी देखने को मिलेगा। उसी तरीके से दक्षिणी प्रायद्वीप के खास करके तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के कुछ एक हिस्सों में और इंटीरियर महाराष्ट्र के कुछ एक हिस्सों में और उड़ीसा के भी कुछ एक स्थानों पर थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग और हल्के से मध्यम वर्षा भी देखने को मिलेगी। अगर हम उसी तरीके से 9 मई की बात करें तो 9 मई को सिर्फ हमारा अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम का एरिया है और दक्षिणी प्रायद्वीप के कुछ एक स्थानों को छोड़ के भारत के बाकी सभी स्थानों में कोई भी सिग्निफिकेंट वेदर नहीं है। वहीं पर अरुणाचल प्रदेश में हमें एकाध स्थानों पर भारी वर्षा देखने को मिल सकती है और दक्षिणी प्रायद्वीप में केरल में भी हमें एकाध स्थानों पर भारी वर्षा देखने को मिलेगी। अगर हम अंडमान और निकोबार आइलैंड्स की बात करें तो 9 मई को वहां पे हमें भारी से अत्यधिक भारी वर्षा लाने की लगभग 12 सेंटीमीटर या उससे अधिक बारिश देखने को मिलेगी, जिसके चलते हमने वहां पे ऑरेंज कलर का वार्निंग दिया हुआ है। अगर हम 10 मई की बात करें तो 10 मई में हमें खास करके कर्नाटक का, दक्षिणी कर्नाटक का जो आंतरिक हिस्सा है वहाँ पे एकाध स्थानों पर भारी वर्षा देखने को मिलेगी। केरल के भी एकाध स्थानों पर हमें भारी वर्षा देखने को मिलेगी और जो उत्तरी पूर्वी राज्य हैं खास करके अरुणाचल प्रदेश में भी एकाध स्थानों पर भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। अगर हम अंडमान और निकोबार आइलैंड्स की बात करें तो हमें वहाँ पे 10 मई को भारी से अत्यधिक भारी वर्षा कुछ एक स्थानों पे और एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल यानी 20 सेंटीमीटर या उससे अधिक भी बारिश 1-2 स्थानों पर देखने को मिलेगी। उसी तरीके से अगर हम 11 मई की बात करें तो हमारा सिर्फ जो मेन सिग्निफिकेंट वेदर है वो अंडमान निकोबार आइलैंड्स में है और दक्षिणी प्रायद्वीप के कुछ एक स्थानों में है। इसको छोड़ के भारत के बाकी सभी स्थानों पर जो कि हमने ग्रीन कलर से दर्शाया हुआ है कोई भी सिग्निफिकेंट वेदर नहीं है। 11 तारीख को हमें दक्षिणी कर्नाटक के आंतरिक हिस्से में और केरल के कुछ एक स्थानों पर भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। वहीं पर अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में कुछ एक स्थानों पे हमें 12 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा देखने को मिलेगी और एकाध स्थानों पे 20 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा भी देखने को मिल सकती है, जिसके चलते हमें अंडमान निकोबार में ऑरेंज कलर का वार्निंग दिया हुआ है। अगर हम जो एक हमारा बंगाल की खाड़ी में नया चक्रवाती तूफान बनने वाला है उसकी बात करें तो अभी दक्षिणी पूर्वी बंगाल की जो खाड़ी है और उससे लगा हुआ जो हमारा अंडमान सी का दक्षिणी हिस्सा है वहाँ पे एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसके चलते वहाँ पे 8 मई के आसपास एक कम दबाव का क्षेत्र बनेगा और उसी रीजन में लगभग 9 मई के आसपास एक डिप्रेशन बनने की संभावना है। ये जो डिप्रेशन है ये उत्तरी पश्चिमी दिशा में आगे की तरफ बढ़ेगा और जो कि लगभग बंगाल की खाड़ी का जो मध्य भाग है उसकी तरफ आगे बढ़ेगा और एक चक्रवाती तूफान का रूप लेगा।
इस जो बंगाल की खाड़ी में सिस्टम है उसके चलते अगर हम फिशरमैन वार्निंग्स की बात करें तो आज यानी कि 7 मई में जो हमारा दक्षिणी पूर्वी बंगाल का जो खाड़ी है उसके कुछ एक स्थानों पे और दक्षिणी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी उससे लगा हुआ जो तमिलनाडु का तट है वहाँ पे स्कूली वेदर लगभग 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की विंड की स्पीड होगी देखने को मिलेगा, जिसको हमने ग्रे कलर से दिखाया हुआ है। वहीं पर अगर हम 8 मई की बात करें तो हमारा जो दक्षिणी दक्षिणी पूर्वी बंगाल की खाड़ी है वहाँ पे भी स्कूली वेदर रहने की संभावना है, जिसका स्पीड 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे होगी और हमने इसको ग्रे कलर से दर्शाया हुआ है। अगर हम 9 मई की बात करें तो हमारा जो साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल है वहाँ पे जो है विंड स्पीड लगभग 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे देखने को मिलेगी, जिसको कि डार्क ग्रे कलर से दिखाया हुआ है। उसके जो आस पास का क्षेत्र है वहाँ पे विंड स्पीड लगभग 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे भी देखने को मिलेगी। अगर हम 10 मई की बात करें तो 10 मई को हमारा जो दक्षिणी पूर्वी बंगाल की खाड़ी है वहाँ पे गेल विंड भी देखने को मिलेगी, जिसको कि हमने ग्रीन कलर से दिखाया है। गेल विंड यानी कि जिसका विंड स्पीड लगभग 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे होगी और उसके जो आसपास का क्षेत्र है उसके आसपास जो लगा हुआ दक्षिणी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी का मध्य भाग है और जो अंडमान सी का एरिया लगता है वहाँ पर विंड स्पीड लगभग हमें 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे देखने को मिलेगी। और उसी तरीके से 11 मई को भी हमारा जो है दक्षिणी पूर्वी बंगाल की खाड़ी और उससे लगा हुआ जो अंडमान सी के कुछ क्षेत्र में गेल विंड लगभग 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की जिसकी स्पीड होगी देखने को मिलेगा, जिसको ग्रीन कलर में देखा जा सकता है। और उसके जो आसपास का एरिया है वहाँ पे विंड स्पीड लगभग 40 से 50 और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे देखने को मिलेगी। तो हमारे जितने भी फिशरमैन भाई हैं उनको हम एडवाइस करते हैं कि खास करके वो बंगाल की खाड़ी का जो दक्षिणी पूर्वी हिस्सा है वहाँ पे 7 मई के बाद ना जाएं और जो हमारा बंगाल की खाड़ी का मध्य भाग है वहाँ पे 9 मई के बाद वहाँ पे ना जाएं। और जो मछुआरे भाई हमारे ऑलरेडी वहाँ पे समुद्र के अंदर हैं उनको हम एडवाइस करते हैं कि खास करके जो हमारा अंडमान सी में है या दक्षिणी पूर्वी बंगाल की खाड़ी में है वो वहाँ से 9 मई के पहले पहले सुरक्षित स्थानों पर वापस आ जाएँ। इसके साथ ही अंडमान निकोबार में जितना भी हमारा शिपिंग एक्टिविटीज़ है या ऑफशोर एक्टिविटीज़ है या टूरिंग एक्टिविटीज़ है उनको खास करके 8 मई से लेकर के 12 मई तक हमें रेगुलेट करना चाहिए। उसके साथ ही अगर हम दक्षिणी पूर्व बंगाल की खाड़ी उससे लगा हुआ जो मध्य बंगाल की खाड़ी है वहाँ पे शिपिंग एक्टिविटीज़ को भी रेगुलेट करना चाहिए 8 मई से लेकर के 12 मई तक के बीच में। मौसम की और अधिक जानकारी के लिए आप IMD की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारे फेसबुक पेज और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।